इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, साकिब अशरफी हैं। और भी काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किया है टिड्डी के ताल्लुक से कि अभी जो टिड्डी दल का हमला हुआ है तो इसको खाना के इस्लाम में हलाल है या जायज़ है, इसको खाना चाहिए और इसके ज़िबाह का क्या तरीका है, खाने से पहले वो पूछा है। असल में देखें, हुज़ूर अलैहि सलाम का फरमान तो मौजूद है इसके ताल्लुक से और मछली के ताल्लुक से कि दो मुर्दार जो है वो मेरी उम्मत के लिए वो हलाल हैं। मुर्दार से मुराद ये होता है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी जानदार चीज़ें कि जिनको ज़िबा किए बग़ैर खाया जा सके, यानी इनको ज़िबा की ज़रूरत नहीं है। और शरीयत में ज़िबा भी उसी हिकमत के तहत होता है कि जहाँ पर जिस्म से खून निकालना मुराद होता है, यानी कोई ऐसी चीज़ के जिसको ज़िबा करके खाया जाएगा तो उसमें जो ज़्यादा खून है, जो बीमारी पैदा करेगा, उसको निकालना मकसद होता है, इसीलिए ज़िबा का हुक्म भी होता है। हिकमत ये है। और दूसरा मामला ये है कि जिसमें खून ही नहीं है तो उसको ज़िबा की ज़रूरत नहीं है। तो मछली और टिड्डी दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो हलाल हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसा खून नहीं कि जिसको ज़रूरत पड़े ज़िबा करके निकालने की। इसी बिना पर जो है ना, मछली भी बग़ैर ज़िबा किए और मरी हुई जो है वो हलाल है। अब वो एक मछली के दूसरे मसाइल हैं कि कौन सी मरी हुई हलाल है, आदमी के ज़रिए मारी गई हलाल है, जो ख़ुद समुंदर में मर जाए अपनी मौत वो जायज़ नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो मार्केट में उमूमन मिलती हैं, उमूमन के जो मछुआरे पकड़ के लाते हैं और इनके जाल में मरती हैं या इनका चारा डालने से मरती है या कोई भी ऐसा फेल के जो करते हैं और ये मर जाती है, तो ये जायज़ है। तो इसीलिए मछली वगैरह को, टिड्डी वगैरह को ज़िबा करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनमें कोई ऐसा खून नहीं। अब दूसरा ये कि जायज़ है यानी हलाल है, लेकिन अब इसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए डिपेंड करता आदमी की तबीयत पे। यानी ऐसा नहीं है कि इस्लाम की हर जायज़ और हलाल चीज़ को खाना भी ज़रूरी हो, ये आपके अख्तियार में है। तो ज़ाहिर यही है कि जहाँ पर ये चीज़ें खाई नहीं जाती वहाँ पर दिल कराहत करता है और यकीनन करता है कि दिल गवारा नहीं करता। तो दिल कराहत करता है तो कोई लाजमी तो नहीं है कि इसको खाया जाए या इसको, क्योंकि मिलेगी भी नहीं अमूमन, खरीदोगे भी कहाँ से, जहाँ पर इनका हमला है केवल वहाँ तो आसानी से मिल जाएगी लेकिन और जगह पर ये मिलेगी भी नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं कि इसको खाया जाए। अच्छा, जहाँ खाया जाता है उर्फ में, रिवाज में, जैसे अरब वगैरह में या दूसरे बहुत से ऐसे गांव कस्बे होते हैं कि जहाँ पे ये चीज़ खाई जाती है, बासानी मिल जाती है, तो क्योंकि वहाँ पे उर्फ में ही खाई जा रही होती है और पहले से रिवाज भी हो रहा होता है, तो ऐसे में वो लोगों का दिल कराहत नहीं करता। अब लेकिन नया बंदा जिसने कभी ये चीज़ खाई नहीं है वो थोड़ा ताज्जुब भी करेगा और दिल कराहत भी करेगा। तो फिर नाकिस मशवरा यही है कि ना खाया जाए और खाना कोई ज़रूरी भी नहीं है। बस इतना है कि जिस चीज़ को अल्लाह रसूल ने हलाल कहा है उसको हलाल ही माना जाए, जिसको जायज़ कहा है जायज़ माना जाए, जिसको नाजायज कहा नाजायज। तो बस इतना काफी है। टिड्डी हलाल है तो हाँ हलाल है, तो अगर कोई कहे कि हलाल है तो आप खाओ तो आप मना भी कर सकते हो कि ठीक है हलाल है लेकिन मेरा दिल नहीं है खाने का। तो ये लाजमी नहीं होता कि हर हलाल चीज़ खाई जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो खाते हैं इसको, तो क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा तादाद में अगर खाएंगे या ऐसा बंदा कि जिसने कभी खाया नहीं हो तो उसको फ़ायदा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इस तरीके की खुराकों के फ़ायदे नुकसान जो है ना डिपेंड करते हैं आदमी के एटमॉस्फेयर पे कि जहाँ के वातावरण में वो रहता है, और ये अलग अलग मुल्कों पे भी डिपेंड करता है। इस जिस तरह एक मोटी सी मिसाल लें कि एक दूध है, अगर दूध की हदीस पाक में फजीलत आई है तो इसका मतलब हर किसी को वो दूध सूटेबल कर जाए ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए वो कंफर्टेबल नहीं हो सकता, तो बहुत सारे लोगों को उससे दिक्कत का भी सामना हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है माहौल पे। अब क्योंकि हिंदुस्तान के रिवाज के मुताबिक ना यहाँ एक तो खाई भी नहीं जाती हमारे उर्फ में, तो जाहिर यही है कि दिल कराहत करेगा, मानेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बंदा खा नहीं सकता। और क्योंकि इसके अंदर वसा व चर्बी वगैरह जो है वो ज़्यादा होती है, तो ऐसी सूरत में एक तो बंदा इसको वैसे ही परहेज़ करेगा यहाँ वाला खाने से। तो जहाँ पर ऐसा मतलब काम होता है कि बंदा फैट को जो है ना डाइजेस्ट कर सके तो ज़्यादा उनके लिए आसानी है। तो इसीलिए आप ना खाएं अगर दिल नहीं करता, ज़िबा की मैंने बता दिया ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं दूध की मिसाल दे रहा था। अब जैसे दूध है ना, अब गांव वाला आदमी होता है या ज़्यादा मेहनत करने वाला है, पहाड़ी इलाके वाले जो लोग होते हैं ना वो जितना एक दिन में एक वक्त में दूध पी के हज़म कर जाएंगे ना, शहर वाला उतना हज़म नहीं कर सकता कभी भी। आप कभी इसका तजुर्बा करके देखें कि कोई ऐसा गाँव का बंदा हो जो खेती बाड़ी करता हो या पहाड़ों वगैरह पर काम करता हो, पहाड़ी एरिए
का हो तो वो एक वक्त में जितना दूध पी जाएगा और हज़म कर लेगा और वो उसकी डेली रूटीन में रहेगा, लेकिन शहर वाला अगर इतना पिएगा तो उसको दस्त लग जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ हलाल कर दी गई उसमें आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा हो, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आदमी की तबीयत पर, उसके रहन सहन के ऊपर, उसकी मेहनत के ऊपर, और फिर एक वातावरण भी होता है शहर का कि आप सर्द इलाके में हो, गर्म इलाके में हो, मेहनत वाले इलाके में रहते हो, ज़्यादा आपको चलना पड़ता है, नहीं चलना पड़ता, क्योंकि गाँव का या पहाड़ी एरिया थोड़े ऐसे होते हैं कि वहाँ पे ड्राइविंग थोड़ी कम होती है और ड्राइविंग पॉसिबल भी नहीं होती, तो वहाँ लंबा लंबा सफ़र करने के लिए बंदा पानी भी लेने जाता है, राशन भी लेने जाता है, उसको चलना ज़्यादा पड़ता है। तो इस वजह से उनका जो हार्मोन सिस्टम होता है ना, तो उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत हाई होती है, तो उनको जो चीज़ पच जाएगी, अब हम उनकी देखा देखे खाने लगेंगे, वो खाते हैं तो हम भी खाएंगे, तो ज़ाहिर हमें तो लूज़ मोशन होने ही होने हैं, शहर वालों को वो चीज़ नहीं पचेगी। इसी तरीके से जितनी चीज़ों में शहर वाले किफ़ायत कर जाएंगे खाने में, थोड़ी बहुत चीज़ें, उतनी गांव वालों के तो मतलब ऊँट के मुंह में ज़ीरा होगी, जितनी लोग मतलब शहर के बच्चे जो डाइट में खाते हैं ना छोटी मोटी चीज़ें, ये तो वहाँ पे भीड़ बकरियाँ ज़रा सी देर में चबा के ख़त्म कर देंगी, तो उनके लिए तो खाना भी नहीं होगा। तो ये डिपेंड अलग अलग एटमोसफेयर पर भी करता है, अलग अलग मौसमों पर करता है। तो अब अगर टिड्डी जायज़ है, हलाल है, बस इसको हलाल मानना ज़रूरी है कि ठीक है जी जायज़ है हलाल है, अब खाना ज़रूरी थोड़ी ना है, और आपको सूट करे ऐसा भी नहीं, कोई फ़ायदा पहुँचाए ऐसा भी नहीं है। तो अगर दिल करात करता है तो ना खाई जाए। इसी तरह हदीस पाक में जितनी फजीलत होती है खाने की, जो चीज़ें उनमें से कुछ चीज़ें तो जनरल कॉमन है कि जो नुकसान नहीं करती किसी भी मौसम में, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हकीम से या किसी सलाहकार के मशवरे ही से लेनी चाहिए, वरना उसमें जो है वो आदमी फजीलत के एतबार से अमल करने जाता और बजाय उसको नुकसान होता है, क्योंकि उसको वैसा माहौल भी नहीं होता और वैसा उसकी आदमी की ना दिनचर्या भी नहीं होती, पता चला वो बैठे बैठे कोई ऐसी चीज़ खाता रहे जिसमें मेहनत भी नहीं होती, तो नुकसान होने का ख़तरा है। तो जहाँ ये चीज़ें खाई जाती हैं ना, टिड्डी वगैरह ये जो लोग खाते हैं, तो ठीक है कोई इतना भारी नुकसान भी नहीं है, खा सकते हैं अगर कोई खाना चाहे, लेकिन दिल खराब करे तो रहने दे, कोई ज़रूरी भी तो नहीं है खाना। तो बस हलाल इतना काफ़ी है, जहाँ खाया जाता है वहाँ एक तो मिलती भी है, खा भी लेते हैं, तो वहाँ के उर्फ में लोग कराहत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जाहिर है कि लोग खाने में थोड़ा कराहत महसूस करेंगे, और जिस चीज़ से दिल कराहत करे तो उसको फिर ना खाया जाए, नहीं ऐसी चीज़ के जिसको तबीयत ना माने आदमी के, तो उसको फिर खाने से फ़ायदा नहीं होता, बल्कि फिर उसको खाने से उल्टा सेहत के मामले में नुकसान भी हो जाता है, तो इसलिए इससे परहेज करें।